दोस्तों इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 150 सीसी 160 सीसी सेगमेंट में काफ़ी सारी बाइक्स अवेलेबल है, लेकिन 150 सीसी के अंदर ऐसी कौन सी बाइक है जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली बाइक के अंदर माइलेज अच्छा देखने को मिल जाए, साथ ही बाइक के लुक्स, डिज़ाइन और स्टाइल काफ़ी अच्छे हों, साथ ही बाइक के अंदर इंजन में रिलायबिलिटी एंड रिफाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा हो और टॉप लेटेस्ट मॉडल हो। तो दोस्तों अगर आप कोई 150 सीसी के अंदर लाइक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक परचेस करना चाहते हैं, जो कि आपको लाइक 150,000 के लाइक प्राइस पॉइंट पर ऑन रोड देखने को मिल जाए, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइक 150 सीसी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी द बेटर ऑप्शन रह सकता है ओनली 150,000 के प्राइस पॉइंट पर। दोस्तों अभी रिसेंटली जो है यामा की तरफ से लाइक यामा की सारी बाइक्स को अपग्रेड किया गया है। नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की यामा की FGS वर्जन 4 डीलक्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रह सकता है। इसके प्राइस आपको एक शोरूम 1,27,400 देखने को मिलते हैं। बाइक के अंदर आपको न्यू लुक्स, न्यू डिज़ाइन एंड न्यू ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। बाइक के अंदर काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस फीचर भी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। मोस्ट प्रोबेबली बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छी माइलेज बाइक प्रोवाइड करा देती है एंड बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छे लाइक प्रीमियम फीचर देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल बाइक के ऑन रोड प्राइस आपको 150,000 के अंदर देखने को मिलेंगे। ये बाइक आपको ऑन रोड 150,000 के प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल जाएगी। स्टेप बाई स्टेप मैं आपको फीचर एक्सप्लेन करूँ तो दोस्तों बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छी लाइक पावर देखने को मिलती है। इसमें आपको 149 सीसी का एयर कूल 4-स्ट्रोक 2-वाल्व SOHC सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको 12.4 HP की पावर, 13.3 N का टॉर्क, BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं। इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच का फीचर भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फ्रंट में 41mm के काफ़ी मोटे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। रियर पार्ट में 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं सस्पेंशन के थ्रू बाइक की लाइक सीट हाइट को। बाइक में काफ़ी अच्छे लाइक डायमेंशन देखने को मिलते हैं, 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, फुल्ली डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले कनेक्टेड फीचर ऑफर किए गए हैं एंड इस बार अपग्रेड करके इसमें आपको TCS का ऑप्शन देखने को मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा फीचर है इसमें। ओके, ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर ऑफर कर दिए हैं लाइक यामा ने, एंड फ्रंट में 282mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है एंड रियर में आपको 220mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, जो कि आपको सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ देखने को मिलेगी। फ्रंट में 100x80 का टायर, रियर में 140x60 का टायर, दोनों ही 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर ऑफर कर दिए गए हैं। ये बाइक आपको बड़े आराम से 45-50 KMPL का माइलेज प्रोवाइड करा देगी। बाइक में आपको काफ़ी अच्छी पिकअप भी देखने को मिल जाएगी और काफ़ी अच्छे बाइक के अंदर प्रीमियम फीचर देखने को मिल जाते हैं, साथ ही बाइक के लुक्स, डिजाइन, स्टाइल काफ़ी ज़्यादा लाइक चेंजेस हैं। ओवरऑल बाइक का हेड जो है मॉन्स्टर टाइप का देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू करंट मॉडल, जो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में था ओल्ड वाला, इसके अकॉर्डिंग इसका जो हेड है बिल्कुल ही डिफरेंट है। साथ ही कॉम्पैक्ट टाइप का आपको हेडलाइट के ऊपर विंड वाइजर भी प्रोवाइड कराया गया है एंड बाइक के अंदर आपको यूनिक टाइप की स्ट्रिप टाइप की DRLs भी देखने को मिलती हैं विद डे टाइम रनिंग। ओके, साथ ही बाइक के अंदर आपको ब्लू कलर के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छी प्रीमियम कलर स्कीम प्रोवाइड कराई गई हैं, इसमें आपको मेटेलिक ब्लैक, मेटेलिक ग्रे एंड मैजेस्टी रेड, ये सारी कलर स्कीम प्रोवाइड कराई गई हैं। कलर स्कीम के अकॉर्डिंग आपको अलॉय व्हील के कलर डिफरेंट देखने को मिलेंगे तीनों बाइक्स के अंदर एंड तीनों बाइक्स के प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। ओके, इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ये बाइक TVS की अपाचे RTR 164 भी, सुजुकी जिक्सर 155, हीरो की एक्सट्रीम 160R, बजाज की पल्सर NS160, इन सारी बाइक्स को काफ़ी अच्छा टफ कम्पीट करती है। बाइक के लुक्स, डिजाइन, स्टाइल काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल बाइक के सारे फीचर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाइक में आपको फ्रंट में और रियर में दोनों में आपको LED इंडिकेटर के साथ हजार्ड वार्निंग स्विच भी लाइक ऑफर कर दिया है यामा ने, जो कि बाइक के लुक को काफ़ी ज़्यादा यूनिक करता है एंड बाइक के अंदर काफ़ी अच्छी वाइड सिंगल पीस कम्फर्टेबल सीट देखने को मिलती है, जो कि बाइक की राइडिंग पोजिशन को काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल करती है। बाइक के अंदर आपको लाइक काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको ग्रैब रेल प्रोवाइड कराई गई हैं। ये बाइक आपको यामा की लाइक चेसिस की डायमंड फ्रेम पर देखने को मिलेगी। ओवरऑल बाइक काफ़ी द बेटर वैल्यू फॉर मनी है। दोस्तों बाइक के अंदर आपको इंजन रिफाइनमेंट, इंजन रिलायबिलिटी, साथ ही बेस्ट माइलेज के साथ बाइक के अंदर काफ़ी अच्छे प्रीमियम ऑफर कर दिए हैं एंड बाइक के अंदर आपको लाइक काफ़ी अच्छा यूनिक डिज़ाइन भी ऑफर कर दिया है। ये बाइक काफ़ी अच्छी आपके लिए बेटर वैल्यू फॉर मनी
रह सकती है। अगर आपको 160 सीसी के अंदर बेस्ट माइलेज वाली बाइक परचेस करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यामा की FGS वर्जन 4 डीलैक्स को परचेस कर सकते हैं। ओके, अगर आपको FGS B4 डीलैक्स से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।